गाइज, IPL 2020 का 9वां मैच जो है वो राजस्थान रॉयल्स की टीम और किंग्स इलेवन पंजाब की टीम के बीच में खेला जाने वाला है। और दोस्तों, दोनों ही टीमें अपना पिछला मैच जीत के आ रही है। जहां बात करें हम राजस्थान की, तो उन्होंने चेन्नई को हराया था अपने पिछले मैच में, वहां पर वो उनका पहला मैच था। वहीं किंग्स इलेवन पंजाब की टीम अपना पहला मैच हार गई थी, लेकिन दोस्तों उसके बाद दूसरे मैच में वो RCB को हरा कर आ रही है और KL राहुल ने उस मैच में बढ़िया प्रदर्शन किया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आज आपको इसी मैच का प्रीव्यू करके बताने वाला हूँ। ताकत कमजोरियाँ दोनों ही टीमों की बताऊंगा, साथ ही साथ प्लेइंग इलेवन प्रेडिक्शन भी बताऊंगा, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, बात करते हैं हम यहाँ पर पंजाब की टीम के बारे में। पंजाब की टीम ने पिछला मैच काफी बढ़िया तरीके से जीता था, वहां पर उनकी टीम के कप्तान KL राहुल ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। दोस्तों, बात करते हैं हम इनकी प्लेइंग इलेवन की, तो दोस्तों उनके जो ओपनर होने वाले हैं वो है दोस्तों मयंक अग्रवाल। जी हाँ दोस्तों, मयंक अग्रवाल ने पहले मैच में बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस दी थी, बहुत ही बढ़िया सॉलिड लगे थे पहले मैच में। दूसरे मैच में जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन दोस्तों फॉर्म इनके पास है। वहीं साथ ही साथ इनके साथीदार होने वाले हैं इनके कप्तान, यानी कि KL राहुल। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने पिछले मैच में 132 रनों की बहुत ही बढ़िया इनिंग खेली थी RCB के अगेंस्ट, और मैच जीता के ले गए थे। बहुत ही बढ़िया इन्होंने इनिंग्स खेली थी। वहीं नंबर तीन पर आने वाले हैं करुण नायर। जी हाँ दोस्तों, करुण नायर ने दो मैचेस में इन कोई बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया था। पिछले मैच में इन्होंने मतलब 15-20 रनों की ठीक ठाक इनिंग खेली थी एंड में आके। वहीं नंबर चार पर आने वाले हैं इनकी टीम के द बिग शो, जिनका शो अभी तक तो IPL में फ्लॉप ही रहा है, यानी कि ग्लेन मैक्सवेल। जी हाँ दोस्तों, ग्लेन मैक्सवेल अभी तक दो मैचेस में कोई ज्यादा रन नहीं बना पाए हैं। वहीं नंबर पांच पर आने वाला है निकोलस पूरन, जिनसे काफी ज्यादा उम्मीदें थी, CPL में बढ़िया प्रदर्शन करके आ रहे थे, लेकिन दोस्तों अभी तक IPL में भी ये बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाया है। वहीं नंबर छह पर आने वाला है सरफराज खान। जी हाँ दोस्तों, सरफराज खान को भी जब मौका मिलेगा तो वो बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं, बढ़िया खिलाड़ी है। वहीं नंबर सात पर आने वाले हैं जिमी निशम। जी हाँ दोस्तों, जिमी निशम के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जिमी निशम को मौका देना चाहिए, और किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने उनको खिलाया भी, और वो एक बढ़िया खिलाड़ी है, टीम में एक बढ़िया बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, गेंदबाजी भी कर सकते हैं। वहीं नंबर आठ पर आने वाला मोहम्मद शमी, जिनका प्रदर्शन काफी बढ़िया रहा है पिछले दो मैचेस में। स्टार्टिंग के ओवर में बहुत ही बढ़िया इन्होंने गेंदबाजी की और काफी बढ़िया विकेटें भी चटकाई है। वहीं नंबर नौ पर आने वाले हैं शेल्डन कॉटरल। जी हाँ दोस्तों, शेल्डन कॉटरल ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है पिछले मैच में, इन्होंने काफी बढ़िया गेंदबाजी की है। वहीं नंबर 10 पर आने वाले हैं इनकी टीम के वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर के लिए जो उभरते हुए सितारे हैं इंडिया के, वो है दोस्तों रवि बिश्नोई, जिन्होंने पिछले मैच में काफी बढ़िया गेंदबाजी की थी। राजस्थान का ये लड़का बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करता है। वहीं नंबर 11 पर आने वाले हैं यहाँ पर मुर्गुन अश्विन, जो बढ़िया गेंदबाजी की थी पिछले मैच में, इन्होंने अभी 3 विकेट लिए थे और ये भी बढ़िया गेंदबाज है। वहीं बात करें हम राजस्थान रॉयल्स की टीम की प्लेइंग इलेवन के बारे में, तो RR की टीम में प्लेइंग इलेवन में बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि जॉस बटलर आ चुके हैं, तो दो बदलाव हो सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं हम इनके ओपनर के बारे में। गाइज, RR की टीम के लिए जो ओपनिंग करने वाले हैं वो है दोस्तों यशस्वी जायसवाल। जी हाँ दोस्तों, पिछले मैच में ये दबाव में आ गए थे, क्योंकि RR की टीम के जो पहले दो ओवर थे वहां पर वो रन बॉल खेल रही थी, इस वजह से बड़े शॉट मारने के चक्कर में आउट हो गए थे, लेकिन दोस्तों ये इनको मौके देंगे, बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। वहीं इनके साथीदार होने वाले जॉस द बॉस, कि जॉस बटलर खेलने वाला अवेलेबल हो चुके हैं, दूसरे मैच में बढ़िया प्रैक्टिस भी कर रहे थे नेट में, इंग्लैंड का समर भी इनके लिए बढ़िया रहा है, तो होपफुली IPL में बढ़िया प्रदर्शन करेंगे, ऐसी आशा रखते हैं। वहीं नंबर तीन पर आने वाला संजू सैमसन। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन ने पिछले मैच में जो धमाका किया है, तो वो तो सभी IPL फैंस को पता ही होगा कि किस लेवल के ये क्रिकेटर है और कितना बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं नंबर चार पर आने वाला इस टीम के कप्तान, यानी कि स्टीव अनस्टॉपेबल स्मिथ। पिछले मैच में इन्होंने बहुत ही बढ़िया एक कप्तान इनिंग खेली थी, कई लोग इनके T20 गेम पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन उनकी बोलती बंद हो गई है। वहीं नंबर पांच आने वाले हैं डेविड मिलर। जी हाँ दोस्तों, डेविड मिलर को मेरे ख्याल में मौका देना चाहिए राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए। जब तक स्टोक्स नहीं आ जाता है, तब तक मेरे ख्याल में डेविड मिलर को खिलाना चाहिए, एक बढ़िया फिनिशर है और RR की टीम के लिए बढ़िया फिनिश कर सकते हैं। वहां पर रॉबिन उथप्पा की जगह नहीं बन रही है। नंबर छह पर आने वाले हैं रियान पराग, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी, आसाम के खिलाड़ी है, पिछले साल भी बढ़िया प्रदर्शन किया था, पहले मैच में जल्दी ही आउट हो गए थे, लेकिन ये बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। वहीं नंबर सात पर आने वाले राहुल तेवतिया, जिन्होंने पिछले मैच में काफी बढ़िया गेंदबाजी की थी, 3 बहुमूल्य विकेट चटकाए थे और काफी बढ़िया ये बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, और राहुल तेवतिया भी बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है। वहीं नंबर आठ पर आने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम के जोफ्रा आर्चर। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने पिछले मैच में जो छक्के लगाए थे एंगिडी, मेरे ख्याल में कोई भी पूरे सीजन में भूल नहीं सकता। वहीं नंबर नौ पर आने वाले हैं यहाँ पर श्रेयस गोपाल। जी हाँ दोस्तों, श्रेयस गोपाल बढ़िया खिलाड़ी है, एक बहुत ही बढ़िया स्पिनर है, पिछले साल भी बढ़िया प्रदर्शन किया था, पहले मैच में भी इन्होंने ठीक ठाक गेंदबाजी कर ली थी। वहीं नंबर 10 पर आने वाले हैं जयदेव उनाडकट। जी हाँ दोस्तों, जयदेव उनाडकट को खिलाएंगे मेरे ख्याल में, जयदेव उनाडकट पर काफ़ी ज़्यादा निगाह रहेगी कि इस बार कैसा वो परफॉर्मेंस करते हैं। वहीं नंबर 11 पर आने वाला है, देखिए 11 पर कोई भी आ सकते हैं, आप अंकित राजपूत को खिला सकते हैं, मयंक मार्कंडे भी वहाँ पर अवेलेबल होंगे, तो दोस्तों मयंक मार्कंडे का खेलना तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 3 स्पिनर है बढ़िया।
वहां पर मेरे ख्याल में कार्तिक त्यागी को भी मौका मिल सकता है। तो अंकित राजपूत या कार्तिक त्यागी में से कोई खेल सकता है? देखिए मेरे ख्याल से तो यहाँ पर कार्तिक त्यागी को मौका देना चाहिए, बढ़िया खिलाड़ी है, उभरते हुए खिलाड़ी है, तो इनको मौका देना चाहिए। तो आरआर की टीम कुछ इस प्रकार ही होने वाले हैं। तो दोस्तों बात करें हम किंग्स इलेवन पंजाब की टीम की, तो देखिए केएसआईपी की टीम ने बढ़िया प्रदर्शन किया, लेकिन दोस्तों उनके जो बल्लेबाजी है वहाँ पर उन्होंने इनके ओपनर्स ने बढ़िया प्रदर्शन किया। इनका ना तो मिडल ऑर्डर अभी तक कोई बढ़िया प्रदर्शन कर पाया, ना कोई चल पाया, ना इनके पास कोई इतना बढ़िया फिनिशर है। और दोस्तों डेथ बॉलिंग इनकी अभी भी बढ़िया नहीं है, पिछले मैच में बढ़िया प्रदर्शन जरूर किया था लेकिन डेथ में इनके पास बढ़िया फास्ट बॉलर नहीं है। वहीं दोस्तों हम बात करें राजस्थान रॉयल्स की टीम की, आरआर के पास काफ़ी ओपनर आप देख लीजिए, यहाँ पर जॉस बटलर पिछले दो साल से राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मिडल ऑर्डर में भी राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर्स फॉर्म में स्टीव स्मिथ, संजू सैमसन, इन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया था। यहाँ पर हम फिनिशर की बात करें तो वहाँ पर जोफ्रा आर्चर दिख सकते हैं और डेविड मिलर भी हैं, बढ़िया फिनिशर है। डेथ में जोफ्रा आर्चर है, तो आरआर की टीम के पास बढ़िया बैलेंस टीम है। वही स्पिनर्स भी राहुल तेवतिया, श्रेयस गोपाल है और रियान पराग के रूप में एक और ऑप्शन है। तो आरआर की टीम काफ़ी ज़्यादा बैलेंस लग रही है पंजाब की टीम के मुकाबले में। पंजाब की टीम की ताकत उनके ओपनर ही है और मिडल ऑर्डर में इतना कोई ज़्यादा दम नहीं है। और दोस्तों बात करते हैं हम प्रेडिक्शन की, तो मेरे ख्याल में राजस्थान रॉयल्स की टीम ये मैच जीतने वाली है। आपको क्या लगता है कौन सी टीम ये मैच जीतने वाली है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हो रही है सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।